संघर्षों के पथ पर चलकर लोहा अपना मनवाएंगे, हिमराज का पुत्र हिमाचल, इसको समृद्ध बनाएंगे, इसको समृद्ध बनाएंगे। समृद्धि के द्वार तक जो मार्ग हमें लेके जाता है वो है समानता का, परंतु आज तो भारत में आर्थिक असमानता आकाश चूम रही है। स्थिति कुछ ऐसी है, एक ओर गरीबी का करुण क्रंदन है तो दूसरी ओर वैभव का अट्टहास, एक ओर भुखमरी का रोमांचकारी दृश्य है तो दूसरी ओर विलास का तांडव नृत्य। ये कैसी विषमता है। किंतु यदि मैं वित्त मंत्री होता तो इस विषमता, आर्थिक असमानता पर लगाम लगाने हेतु संपत्ति की एक अधिकतम सीमा निर्धारित करता। निर्धारित सीमा से अधिक संपत्ति होने पर अतिरिक्त संपत्ति के एक तिहाई हिस्से पर सरकार अर्थात शासन का स्वामित्व होता। इस प्रकार से जो संपत्ति सरकार द्वारा अधिकृत की गई होती उसका हम प्रयोग करते नवजीवन देने में उन सभी मासूम नौनिहालों को जिन्होंने कोरोना काल में काल के प्रकोप से अपने माता पिता को खो दिया। हम पुनर्जीवित करते उन सभी लघु उद्योगों को जो कोरोना काल की मार न झेल सके व उन पर ताला लटक गया। विकास की इस अंधी दौड़ में मेरे विकलांग भाई बहन पीछे ना छूट जाएं, उन्हें भी उचित सुविधाएं प्राप्त हों, उन्हें भी उचित अवसर प्राप्त हों, यह सुनिश्चित भी हम इस राशि का उपयोग कर करते। साथ ही हम ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करते उन सभी विद्यार्थियों को जो वित्त संबंधी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, ताकि भविष्य में वो राष्ट्र व राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का कार्य करें, वो सामर्थ्य रखते हों इस देश को नवदशा व दिशा देने का। अंत में बस यही कहूंगा, सहयोग मिले जो सबका हमको, सपना अपना होगा स्वीकार, राज्य बनेगा नंबर एक ये, मिलेगी विकास को नव रफ्तार, मिलेगी विकास को नव रफ्तार। धन्यवाद।